दोस्तों, अगर आपका भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसके बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको बिल्कुल फैक्ट चीजें बताऊंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीडियो वायरल कैसे होता है। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि लोगों की वीडियो इतनी आसानी से वायरल क्यों हो जाती है और आपकी वीडियो वायरल क्यों नहीं होती है। आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, मेरा कोई भी वीडियो वायरल इस चैनल पर नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर मैं इतना काम नहीं करता या मन लगाकर काम नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा एक और भी चैनल है जिस पर मेरे वीडियोस आसानी से वायरल होती है, क्योंकि उस चैनल पर मैं मन लगाकर काम करता हूँ और अच्छे से काम करता हूँ, जिसके कारण उस चैनल पर मेरे वीडियोस अच्छे खासे मिल जाते हैं। अगर आप भी अपने वीडियोस को वायरल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। कई लोगों का ये मानना है कि अगर आपका थंबनेल अच्छा हो तो आपका वीडियो वायरल हो सकता है, आपका टैग अच्छा हो या फिर आप कीवर्ड ऐसे चूज करें जिससे कि लोग सर्च करते हो, तो ऐसे में आपका चैनल जल्दी ग्रो करता है या फिर आपका वीडियो वायरल होता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये आप जान लीजिए। अगर आप वीडियो डालते हैं तो ये कोई मैटर नहीं रखता है कि आपका कौन सा वीडियो कब और कैसे वायरल हो जाएगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कीवर्ड सिर्फ आपके वीडियोस को एक रैंक तक पहुंचाने का काम करता है, वायरल करने का काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका जो वीडियो है वो सिर्फ सर्च में आ सकता है, वायरल होने की कोई गारंटी नहीं होती है। वायरल कब और कैसे होती है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपका भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं आपको बिल्कुल फैक्ट चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों, कई लोग ये मानते हैं कि अगर क्लिक बैट किया जाए या ऐसी थंबनेल बनाया जाए जिस पर क्लिक हो तो आपका वीडियो वायरल हो सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। दोस्तों, अगर आप क्लिक बैट करते हैं, आप अगर ऐसे थंबनेल का इस्तेमाल करते हैं जिसे लोग देखकर क्लिक कर दें लेकिन उसे वॉच ना करें, दोस्तों आप थंबनेल ऐसा बनाएं जो आपके वीडियो के मटेरियल के अनुसार हो, तो ऐसे में आपका वॉच टाइम बढ़ता है और वीडियो थोड़ी बहुत चलने की चांस होती है, लेकिन वायरल फिर भी नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपका वीडियो सर्च में आता है और वो सर्च अगर बहुत ज़्यादा है, मिलियन में अगर सर्च उस कीवर्ड में हो, तो आपका जो वीडियो है वो काफ़ी हद तक सर्च में आएगा, सर्च रिजल्ट में आएगा, आपका वीडियो वायरल हो सकता है। लेकिन ये भी एक गारंटी नहीं है कि आपका कीवर्ड के कारण आपका वीडियो वायरल हो। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं वीडियो वायरल कब होती है, क्योंकि मेरे पहले वीडियोस जो मेरे इससे पहले का जो चैनल है उसकी बात मैं आपको बता दूं, उस पर मैं बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स को आजमा चुका हूं जिससे मेरा वीडियोस कभी वायरल होती है और कभी नहीं भी होती है। इसका रीज़न मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब मैं कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा जो वीडियोज़ है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि मेरा जो सर्च है, वीडियो का सर्च लेवल अच्छा रहता है लेकिन लोग थंबनेल पसंद नहीं करते हैं या थंबनेल उसे अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मेरा कीवर्ड इतना अच्छा होता है कि वो सर्च में तो आ जाता है लेकिन वीडियो को लोग नहीं वॉच करते हैं। दूसरा रीज़न कि कुछ वीडियोज ऐसे हैं जिस पर मैंने थंबनेल तो बहुत अच्छा बनाया, कीवर्ड भी अच्छा डाल दिया, लेकिन फिर भी वो वीडियो अच्छा रैंक नहीं कर पाता है, क्योंकि सर्च में आने के बाद वो आपका थंबनेल क्लिकेबल तो रहता है, क्लिक भी लोग करते हैं, लेकिन 5 सेकंड, 10 सेकंड या आधे मिनट तक ही देखकर स्किप कर देते हैं, इससे भी आपका जो वीडियो है वो वायरल नहीं होता है। अब मैं आपको टॉपिक पर लाता हूं और बताता हूं कि आप ये तीनों चीज़ें आजमाने के बाद भी अगर आपके वीडियोस वायरल नहीं होते हैं तो एक ही तरीका है वीडियो वायरल करने का, जो थोड़ा कठिन है लेकिन अगर आप उस पर काम करते हैं तो बहुत ही आसान है। अगर आप अपने इंटरेस्ट बेस पर अगर आप वीडियो बना रहे हैं, आपको लगता है कि आप इस वीडियोस पर, किसी भी वीडियोस पर बहुत अच्छा कर सकते हैं, यह सबसे पहली पॉइंट है कि आपको उस वीडियोस को जिस टॉपिक पर आप बनाने वाले हैं उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बोल दिया और आप थंबनेल अच्छा बना दिया, कीवर्ड अच्छा डाल दिया और आपका वीडियो वायरल हो जाए, यह बिल्कुल नहीं होता है। टॉपिक वो हो जो लोग सर्च तो करते हैं लेकिन YouTube पर वो वीडियो अपलोडेड पहले से ना हो।
अगर हो भी तो कम से कम हो, और जो भी वीडियोस है वो वीडियो आपका उसी टॉपिक पर हो जो कि लोग सर्च करते हो और उसे YouTube पर वो वीडियो नहीं मिलती है। ऐसी वीडियोस बहुत जल्दी वायरल होती है, इस पर आप चाहे टैग डालें या ना डालें, लेकिन थंबनेल पर थोड़ी सी भी एक बार भी लोग क्लिक कर दें तो वो वीडियो शेयर कर लोग करने लगते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाती है और वो सजेस्टेड में भी आ जाती है। जिनका वीडियो सजेस्टेड में आता है उन्हीं का वीडियो ज़्यादातर वायरल होती है, जो वीडियो सजेस्टेड में नहीं आता है उनका वीडियो थोड़ा कम व्यूज़ दे सकता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आपका वीडियो सजेस्टेड में आता है या नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपका यूट्यूब सर्च में अगर ज़्यादा आता हो, 60% ऊपर आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका वीडियो सिर्फ सर्च करने पर आने से आपका वीडियो वायरल नहीं हो पाती है। अगर आपका वीडियो सजेस्टेड में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्टेड में, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और उस पर बहुत से ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो उस वीडियोज़ को देखते हैं, और बहुत से ऐसे वीडियोज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस वीडियोज़ को नहीं देखते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कीवर्ड डालते हैं तो 1,00,000 व्यूज़ अगर आपका आता है तो सजेस्टेड में आपका लगभग 5,00,000 तक पहुंच सकता है, अगर सजेस्टेड में आए तो। लेकिन दोस्तों, सजेस्टेड में आपका वीडियो कब आता है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। दोस्तों, आपका वीडियो सजेस्ट में तब आता है जब आपका कीवर्ड और दूसरे वीडियोस जो कि बहुत कम अपलोड किया गया है यूट्यूब पर, उसके कीवर्ड या उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता वर्ड आपके भी चैनल पर या फिर आपके वीडियोस पर हो, तो ऐसे में आपका जो वीडियो है वो थोड़ा सजेस्टेड में आने का चांस होता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपका टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट हो और पॉइंट टू पॉइंट बात करने की क्षमता हो। अगर आप अनपॉइंटेड बात को रखते हैं अपने वीडियोज़ में तो आपका वीडियो वायरल नहीं होता है और आपका व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आप समझते हैं कि थंबनेल बना लूँगा और मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, मैं टैग बहुत अच्छे डाल दूँगा तो वीडियो वायरल हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो सबसे पहले आप अपने वीडियोस की कंटेंट पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो सजेस्टेड में आए। अगर आपको सजेस्ट में लाना है तो सिर्फ आप टाइटल अच्छा डालें, डिस्क्रिप्शन अच्छा डालें और टैग कम डालें। अगर टैग कम डालेंगे तो आपका जो वीडियो है वो टाइटल के साथ मैच करता हुआ जितना भी वीडियो है वो सभी में आपका वीडियो सजेस्ट हो जाएगा और आपके व्यूज़ बढ़ने लगेंगे। ये एक तरीका है अपने वीडियोस में व्यूज़ लाने का। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर आपको ये जानकारी है तो आप इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं या इस तरह की बातें क्यों नहीं करते जिससे आपका भी व्यूज़ है। दोस्तों, मैं टैग से रिलेटेड बहुत कम वीडियो डालता हूँ या फिर डालता ही नहीं हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस जो दूसरे चैनल से है उसी से रिलेटेड इस पर मैं अब वीडियो डालने वाला हूँ जो मैंने उस पर एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो अब मैं टैग की वीडियोस डाल सकता हूँ। तो अगर आप भी टैग से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं, अपने यूट्यूब के करियर को संवारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि इस तरह की नॉलेज की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।